हाई लेट्स डू गेट रेडी विद मी फॉर राखी एंड राखी के लिए मैं आज एक वायरल मेकअप लुक क्रिएट करना चाहती हूँ जो कि है लाटे मेकअप जस्ट ब्राउन बेस ब्राउन शेडोज ब्राउन लिपस्टिक मतलब थोड़ा सा ब्राउन टोन मेकअप है ये एंड ये लुक ना मेरी आउटफिट के साथ बहुत परफेक्टली जाएगा जो कि येलो एंड मरूनिश शेड में है एंड बस ये सब मैंने सोच के रखा है राखी के लिए एंड जल्दी से अपना मेकअप स्टार्ट कर लेते हैं तो मैंने लगाया सबसे पहले प्राइमर एंड उसके बाद लगाया फाउंडेशन जस्ट एक लाइट बेस किया है आप चाहो तो फुल कवरेज मेकअप भी कर सकते हो लाटी मेकअप में बट मुझे एज़ राखी के लिए मैं लुक क्रिएट कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा लाइट बेस ही चाहिए था उसके बाद मैंने कंसीलर लगाया फॉर डार्क सर्कल्स एंड एक हाई कंसीलर भी लगाया है जस्ट टू ब्राइटन माई अंडर आइज़ जनरली मैं ये स्टेप नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे समहाऊ बहुत अच्छे से करना नहीं आता है बट uh, अभी कुछ दिन से आई एम इन्जॉइंग इस टाइप का मेकअप तो वो किया मैंने एंड एज हम लाटी मेकअप कर रहे हैं तो मैंने एक ब्राउन कलर की लिपस्टिक ली एंड पूरे फेस में कॉन्टोर लाइन्स ड्रॉ कर दिए है उसको ब्लेंड कर रही हूँ पहले फिंगर से किया दैन मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड किया एंड आई डोंट नो मैंने वीडियोज़ में दिखाया है नहीं मैंने ब्रशेज से भी उसको ब्लेंड किया था मेरे पास कोई कॉन्टोर स्टिक नहीं है इसलिए मैंने लिपस्टिक की हेल्प से ही आ, सब कुछ क्रीम कॉन्टोर कर लिया है यहाँ पे एंड बाद में मैंने पाउडर कॉन्टोर भी किया है बट क्रीम कॉन्टोर भी मुझे लगा कर लेना चाहिए एज हम लाती मेकअप क्रिएट कर रहे हैं थोड़ा सा ब्राउन बेस अच्छे से दिखेगा एंड आप यहाँ पे ब्राउन्ज़र वग़ैरह भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको फेस कॉन्टोर नहीं करना है तो एंड आप देख सकते हो ओवरऑल काफ़ी मुझे तो काफ़ी सही लग रहा है ब्रॉन्जी ब्राउन्ज़ी सा मेकअप उसके बाद मैं अपने अंडर आइज़ को पाउडर से सेट कर ले रही हूँ एंड जहाँ जहाँ पे मैंने अपने फेस को कॉन्ट्रोल किया है लिपस्टिक से वहाँ पे मैं पाउडर सॉरी पाउडर कॉन्ट्रोल कर रही हूँ ना लेट्स डू दी आई मेकअप फॉर लाठी मेकअप तो सबसे पहले मैंने ना अपने जो कॉन्टोर करेक्टर पैलेट है मेरा इन साइड का उसमें से जो ब्राउन शेड है उसको ले कर मैं यहाँ आई पे लिड uh, पे अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ सो दैट के एक ब्राउन बेस मिल जाए मुझे एंड उसके बाद मैं अपने हाईलाइटर पैलेट में से जो कि स्विस ब्यूटी का है उसमें से एक ब्राउन्जर कलर का हाईलाइटर ले कर उसको उस कॉन्टोर uh, के शेड पर स्टिक कर रही हूँ सो दैट की वो थोड़ा अच्छे से स्टिक हो जाए एंड स्टे करे एंड उसके बाद आई शेडो पैलेट में से लाइटर शेड ऑफ़ ब्राउन एंड डार्कर शेड ऑफ़ ब्राउन को लेके मिक्स करके मैंने सब कुछ अच्छे से ब्लेंड करने की कोशिश की है ओवरऑल तो मुझे आई मेकअप काफ़ी अच्छा लगा लाइक like इट्स ब्राउन लाटे मेकअप के हिसाब से सही है राखी के हिसाब से काफ़ी लाइट है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है मतलब ओवर द टॉप टाइप का बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आप अगर राखी में ये वेयर करोगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा तो मुझे ओवरऑल तो ये मेकअप काफ़ी सही लगा एंड उसके बाद लाइनर के लिए मुझे डार्क ब्राउन शेड चाहिए था जो कि मेरे पास नहीं था तो मैंने वही कॉन्डोर शेड लगा के उसके ऊपर ब्राउन आई शेडो को स्टिक करने की कोशिश की एंड हल्का सा उसमें ग्रे मिक्स किया था सो दैट कि ब्राउन शेड थोड़ा सा एक्स्ट्रा डार्क लगे एंड थोड़ा सा ब्लैकिश ब्राउन टाइप आपका लगे आई uh, गेस आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आई होप सो एंड इस तरीके से मेरा अपर लैश लाइन कम्प्लीट हो गया एंड उसके बाद लोअर लैश लाइन में सिंपली मैंने लाइटर शेड ऑफ ब्राउन एंड डार्कर शेड ऑफ ब्राउन को मिक्स करके स्मच कर लिया है दैट्स इट उसके बाद मैंने जो हाईलाइटर शेड लिया था लाइक like, ऊपर लिड पे लगाने के लिए वो मैंने अपने इनर कॉर्नर से लाइक मिड ऑफ द लोअर लैश लाइन तक वो शेड लगाया एंड मेरा आई मेकअप ऑलमोस्ट डन हो गया है फिनिश करने के लिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मस्कारा एंड मैं यहाँ मार्स का मस्कारा नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो काफ़ी हैवी हो जाता है एंड मुझे थोड़ा सा लाइट मस्कारा लुक चाहिए था तो मैं अपना मेबलिन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ उसके बाद मैं अपना एक पुराना मस्कारा यूज़ कर रही हूँ अपने ब्राउज सेट करने के लिए देन लास्ट में आई एम यूजिंग सेम ब्राउन्जर शेड का हाइलाइटर अपने चीक्स पे इनर कॉर्नर पे एंड uh, ब्राउ बोन पे मैंने शैम्पेन कलर का हाईलाइटर यूज़ किया था सो दैट कि बहुत एक्सट्रीम ज़्यादा भी ब्राउन्जी ना हो जाए मेकअप एंड मेब्लिन की मैंने ब्राउन कलर की लिपस्टिक लगाई है एंड दिस इज़ दी फाइनल मेक अप आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना एंड रुक जाओ थोड़ा सा वीडियो और बचा है एज मुझे अपनी आउटफिट भी दिखानी है आप लोगों को आज के वीडियो में एंड इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर दूंगी तो वो भी चेक करना मत भूलना तो दिस इज़ माई राखी आउटफिट ये मैंने खुद स्टिच किया है मेरे स्टिचिंग चैनल पर इसके सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं आप जाके चेक कर सकते हो एंड बहुत ईजी है आ, मैंने ये एक साड़ी से क्रिएट किया है अपना सूट अपनी मम्मी की पुरानी साड़ी से एंड ओवरऑल मुझे ये लुक बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड ऐसे और, और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना ये दुपट्टा तो मैंने बाहर से ख़रीदा था बट सूट पूरा मैंने खुद स्टिच किया है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को कैसा लगा सूट पर्सनली वो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना बाई